नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। तो आज सुबह से ही जो निकाय चुनाव था उसके जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। जी हां, निकाय चुनाव के दो चरणों के लिए जिसमें जनता ने भरपूर अपने मत का इस्तेमाल किया था उसकी मतगणना सुबह से ही चालू हो चुकी है। वही मतगणना स्थलों के बाहर पुलिस की भारी तैनाती भी और विजय जुलूस पर रोक भी लगा दिया गया है। तो वही भाजपा ने अपने जीत को बिगुल फूंकते हुए झांसी से जीत दर्ज की है। जी हां, झांसी से मेयर प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है और भाजपा ने अपने जीत की शुरुआत जो है वो झांसी से कर दी है। लेकिन विजय जुलूस पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है, जिसके लिए झांसी में किसी भी तरीके से विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि लगातार जो वोटों की काउंटिंग है उसका दौर जारी है। तो वही लखनऊ की सीट पर भी भाजपा ने अपनी बढ़त कायम की हुई है और कई ज्यादा वोटों से, कई हजार वोटों से भाजपा ने यह बढ़त बनाई हुई है। जी हाँ, सुषमा खरकवाल लखनऊ की मेयर सीट पर आगे चल रही है। लेकिन मेरठ से एक ऐसी सीट है जहां AIMIM की जो प्रत्याशी है उसने अपनी जो बढ़त है वो कायम की है। जी हां, मेरठ में 10 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। लेकिन जो AIMIM के जो पार्टी है उसके प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो वही हमारे सहयोगी ने भी खास बातचीत की है। आपको बताते चले कि इस दौरान हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर एक्टिव है और लगातार वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर जो जनता है उसका मूड क्या है, जनता ने किसे वोट दिया है। लेकिन आज अब तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी। तो वही हमारे सहयोगी ने नरेश उत्तम से भी खास बातचीत की है, चले वो भी आपको सुनाते हैं। देश में निकाय चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और देर शाम तक इसका पता चल जाएगा कि निकाय चुनाव की जंग कौन जीत रहा है। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी हैं, सपा कार्यालय के बाहर हम खड़े हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी कितनी मजबूती से लड़ रही है और कितनी तैयारियों के साथ उन्होंने इस चुनाव को लड़ा है। सर, क्या लगता है देर शाम तक जब रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आएंगी? क्योंकि चुनाव समाप्त हो गया है, मतगणना चालू है। जो आपकी मीडिया के माध्यम से, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो अभी जानकारी आई है उसमें समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही परिणाम है। सर, लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हम क्लीन स्वीप करने वाले हैं। 17 नगर निगम के सोलह पे वो आगे चल रही है, एक व्यवस्था आगे चल रही है और साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को कोट करते हुए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है निकाय चुनाव में बुरी तरीके से फेल हो गई है, क्योंकि वो जनता के बीच उनके मुद्दों को लेकर पहुँच नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका हित देख रही है और ये चुनाव भी बाकी चुनाव की तरफ जीत के आने वाले समय में लोकसभा के लिए तैयारी है। देखिए, नगर निकाय के चुनाव में 544 नगर पंचायत और 199 नगर पालिका परिषद के चुनाव, 744 नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में हम लोगों को जो अभी रुझान आ रहा है, उस रुझान में दिख रहा है कि बीजेपी का कहीं पता नहीं दूर दूर तक, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं या निर्दल, लेकिन बीजेपी के लोग बहुत पिछड़ गए हैं। पूरे नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है। जिस प्रकार से रामपुर, निस्वार और छांबे का उपचुनाव हो रहा है उसकी मतगणना जारी है, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से इन दोनों सीटों की जो विधानसभा उपचुनाव है आप देखते हैं, क्या इस सीटें समाजवादी पार्टी पता करके ले जा रही है? देखिए, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी को इसलिए चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा उससे बढ़ के काम किया है। अब जनता तुलनात्मक अध्ययन कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसमें कितना किया, समाजवादी पार्टी ने जो कहा उसमें कितना किया। उसमें तुलना में पाए जाते हैं कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा उससे ज़्यादा किया, लेकिन बीजेपी ने जो कहा उसको पूरा नहीं किया। सरकार का उत्तर प्रदेश के दूसरा कार्यकाल है, जो भी बात का है, चाहे विकास का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे यहाँ चिकित्सा का हो, चाहे शिक्षा का हो, सामाजिक समरसता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को बर्बाद किया, जनता इसीलिए बीजेपी से। तो उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो जो है, एक तरफ निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने हैं तो वही स्वार विधानसभा से शफीक अंसारी की जीत हुई है। जी हां, स्वार विधानसभा से शफीक अंसारी ने जीत दर्ज की है। तो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, अपना दल के प्रत्याशी की बड़ी जीत है। जी हाँ, भाजपा और अपना दल इसके सहयोगी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। 8,824 वोटों से ये बड़ी जीत अपना दल के प्रत्याशी ने दर्ज की है। जी हाँ, गठबंधन का प्रत्याशी अपना दल है और भाजपा के गठबंधन प्रत्याशी ने स्वार सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। तो लंबे समय बाद ये जीत दर्ज की गई है। जी हाँ, आपको बताते चले कि उपचुनाव की एक बार जंग भी भाजपा ने जीत दी है। जी हाँ, स्वार जिसे आजम खान का गढ़ माना जाता था
उस पर अब भाजपा और अपना दल के गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जी हाँ, तो ये बड़ी जीत है। अपना दल के प्रत्याशी ने एक बड़ी जीत स्वर में दर्ज की है। तो आपको बताते चले कि जहां एक तरफ निकाय चुनाव का जो फैसला है, जो रुझान है, वो अब सामने आने लगे हैं, तो वही दो उपचुनाव की जो सीटें थी उसके भी स्वार सीट का नतीजा सामने आ चुका है, जिसमें भाजपा और अपना दलस गठबंधन के प्रत्याशी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत है अपना दल एस के प्रत्याशी की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गढ़ था, ये आजम खान का गढ़ माना जाता था। ऐसे में अब एक लंबे अरसे के बाद भाजपा के प्रत्याशी और अपना दल एस के जो गठबंधन है उसके प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है, तो ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। तो वही पीलीभीत से हमारे सहयोगी अमित पाल हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, 12 बजे तक का समय हो चुका है और लगातार काउंटिंग जारी है, क्या कुछ रुझान आप देख पा रहे हैं? सपा की सीट है उस पर अभी कब्जा चल रहा है, पूरनपुर नगर पालिका मतलब से भाजपा का अभी कब्जा चल रहा है, जिसके बाद बताते चले आपको कि जहानाबाद से अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी का जो है कब्जा चल रहा है, और जहां तक देखा जा रहा है कि सपा को पीलीभीत में ज्यादा सपोर्ट चल रही है, यानी कि जो सपा है उसके प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई हुई है। जी आपको बताते चले तो पीलीभीत से सपा के लगभग सपा जो प्रत्याशी है उनकी जीत अभी तक 2500 वोटों से आगे चल रहे हैं, और जो पूरनपुर में है जो भाजपा जो कब्जा करना चाहते हैं वो भी जो आगे चल रहे हैं, और कलीनगर में निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर ये माना जाए कि भाजपा, सपा और निर्दलीय तीनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जिस तरीके से रुझान सामने आए हैं। जी आपको बताते चले पूरनपुर में ही केवल जो भाजपा आगे निकल रही है, और जिससे जो और नगर पालिका परिषद है उनमें निर्दलीय और सपा ही आगे निकल रही है। ठीक है, तो अभी तक जो वोटिंग जो वोटिंग की बढ़त बनाई हुई है वो कितने तक की बनी हुई है? जी हमको बताते चले कि जो वोटिंग की अपडेट है, जैसे कि पूरनपुर से भाजपा 2558 वोट पड़ चुके हैं, और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके लगभग 1517 पड़ चुके हैं, और मुन्ने अनजाना जो कांग्रेस से 1261, और जिसके बाद में सपा 564। ठीक है, लेकिन अमित अगर देखें तो अभी 12 बजे का ही समय हो चुका है और शाम तक कहीं ना कहीं रुझान आएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही है, लेकिन क्या शाम तक इन सभी आंकड़ों में उलटफेर हो सकता है या फिर यूं ही जो बरकरार है आंकड़े रहेंगे? जी अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो है काउंटिंग चली रही है, अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन आगे निकलेगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि किसकी जीत होती है और कौन किसकी हार होती है। अच्छा अमित, अगर हम 2017 की तरफ रुख करें तो 2017 के मुकाबले क्या इस बार का जो नतीजे है वो रोमांचक होगा, क्या उसमें बड़ा उलट फेर देखने को मिलेगा हमको पीलीभीत में? अब की बार आपको बताते चले जैसे जो 17 था उसमें तो एक ही पार्टी निकल रही थी, लेकिन अब की बार रोमांचक चल रही, क्योंकि अब की बार सपा, निर्दलीय और भाजपा में टक्कर बराबर तीनों में टक्कर चल रही है, जैसे कि कांग्रेस तो अभी बहुत पीछे चल रहा है, इसमें पीलीभीत में सपा और निर्दलीय और भाजपा की टक्कर चल रही है केवल। बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि पीलीभीत से हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए थे, और उनके मुताबिक कि वो ऐसी सीट है जहां पर जो भाजपा के प्रत्याशी है वो कांटे की टक्कर भाजपा को दे रहे हैं, कभी भाजपा कभी सपा, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी सीटें भी है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी नतीजे घोषित होने में काफी समय है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, तो इसीलिए शाम तक ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर जो जनता है उसने किसको पसंद किया है और जनता ने जीत का ताज किसे पहनाया है। लेकिन अभी यहाँ पर यह जाना काफी अहम हो जाता है कि लखनऊ की सीट बहुत बड़ी और पुरानी नगर निगम मानी जाती है, तो ऐसे में इस सीट पर भाजपा के प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने लगातार बढ़त बनाई हुई है और वंदना मिश्रा दूसरे नंबर पर रही है। तो अब शाम तक ही ये फैसला आ पाएगा कि आखिर कौन इस सीट पर जीतता है, क्योंकि इस सीट पर 28 साल से भाजपा का कब्जा रहा है, तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस गढ़ को इस अपने खेमे में लाने का प्रयास करेंगे। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, कई हंगामे का दौर जारी है, कई चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है, कई प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें मतगणना स्थल के बाहर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में जो हाल ही में नगर निकाय चुनाव हुआ है दो फेजों में, अब साथ ही साथ कहीं ना कहीं से लोकसभा के
सेमीफाइनल के तौर पर लगातार चर्चाओं का विषय बना रहा। आज कहीं ना कहीं मतगणना हो रहा है और राजधानी लखनऊ के रमाबाई मैदान में हूँ, जहाँ तस्वीरों में ठीक सामने देख रही होंगी कि यहाँ ठीक पीछे जो तमाम चुनाव कर्मी हैं और साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो कि लखनऊ के डीएम हैं शिवपाल गंगवार, लगातार आकर और जो आगे चल रहा है और जिनका सीट कंफर्म हो रहा है उनके बारे में आके जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं, अगर मुस्कान बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में लगभग 11 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहां से कहीं ना कहीं बड़ी बढ़त के साथ जीत के तरफ अग्रसर है। आपको बताएं कि आपने जिक्र किया कि राजधानी लखनऊ में तकरीबन 11 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इस दौरान भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने बढ़त बनाई है। कितने की ये बढ़त है और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही है अभी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि लगभग 40,000 की बढ़त के साथ कहीं ना कहीं सुषमा खरकवाल इस रेस में सबसे आगे निकलते हुए नजर आ रही हैं। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो 10वें राउंड में लगभग 94,000 वोट सुषमा खरकवाल को मिले हैं, वहीं दूसरे नंबर पर बात करें तो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार वंदना मिश्रा यहां से दूसरे नंबर पे हैं, जिन्हें लगभग 54,000 के करीब वोट मिले हैं। और आपको बताएं कि देर शाम तक माना जा रहा है कि सभी जगहों की जो सीटें हैं उस पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के नगर निगम में एक 1995 से एक अभेद किला है, वो देर शाम नतीजों के बाद साफ हो पाएगा क्या ये अभेद किला सुषमा खरकवाल की अगुवाई में बचा या ये ढाह वो कहीं ना कहीं नतीजों के बाद साफ होगा। ठीक है, लेकिन विभांशु में आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं 11 राउंड की जो वोटिंग है वो पूरी होने के बाद 40,000 की बढ़त जो भाजपा की प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने बनाई हुई है, क्या इतनी बढ़त को कवर करना आसान होगा? क्या शाम तक हो सकता है कि ये जो लंबा फासला है ये कवर हो जाए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि इसमें तमाम मतदाताओं की अपने गुप्त मतदान है, धीरे धीरे उनकी गिनती की जा रही है, हर एक बूथों की ईवीएम को खंगाला जा रहा है, और साथ ही आपको बताएं कि सबको अगर काउंट करके बात की जाए तो 11वें राउंड तक कहीं ना कहीं सुषमा खरकवाल इस रेस में सबसे आगे नजर आती हैं। अब जो तमाम मतदाता हैं जिन्होंने अपने जो संवैधानिक हक है उसका प्रयोग किया है उसकी गिनती शुरू है, और अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले जो राउंड है उसमें सुषमा खरकवाल और वंदना मिश्रा के बीच जो टक्कर देखने को मिल रही है, मगर कहीं ना कहीं वंदना मिश्रा इस रेस में अभी लगभग 40,000 से अधिक मतों से पीछे चल रही हैं। वो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे की जो राउंड की गिनती है उसमें क्या समीकरण होती है, क्या स्थिति होती है। ठीक है विभांशु, जब 2017 के विधानसभा के नतीजे आए थे तो भी जो सपा है उसने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया था, प्रशासन पर आरोप लगाया था, 2022 के नतीजे आए तो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन अब आज भी जब कहीं ना कहीं जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, जब काउंटिंग जारी है तो सपा द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि जो प्रशासन है वो नियमों को ताक पर रख रहा है, काउंटिंग में धांधली हो रही है, ऐसा क्यों विभांशु? क्या ये हार की बौखलाहट मानी जाए? जी विभांशु, कॉल कट गई है। ठीक है विभांशु, से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको बता दे चले कि यूपी में निकाय चुनाव का सियासी दंगल जो है वो अब अपने अंतिम चरण यानी कि अपने अंतिम पायदान पर पहुंच चुका है और अब कुछ ही देर में नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन भाजपा ने अपनी जीत का डंका बजा दिया है क्योंकि भाजपा ने झांसी में अपनी जो जीत है वो दर्ज कर लिया, तो वही 11 राउंड की काउंटिंग भी राजधानी लखनऊ में पूरी हो चुकी है जिसमें भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी सुषमा खरकवाल ने जीत दर्ज किया, तो वही कानपुर में भी मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि कानपुर में प्रमिला पांडे को सपा की प्रत्याशी जो है वो टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि मुकाबला दिलचस्प है, तो वहीं इस दौरान जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो है शाहजहांपुर की, क्योंकि शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुनेगी, तो उस दौरान अर्चना वर्मा और सपा की प्रत्याशी माला राठौर के बीच कांटे की टक्कर जारी है, तो वहीं शाहजहांपुर की सीट पर भी भाजपा ने अपनी बढ़त कायम की हुई है और भाजपा की प्रत्याशी अर्चना वर्मा ये महज अपनी जो तो वहीं शाहजहांपुर के प्रत्याशी अर्चना वर्मा जो है ये मेरे मुताबिक ये नामांकन भरने से एक दिन पहले ही
सपा से छटक कर भाजपा में शामिल हुई थी, तो ऐसे में यहाँ पे मुकाबला काफी रोमांचक और दिलचस्प हो जाता है। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2017 का विधानसभा चुनाव आया, तब भी सपा ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। जब 2022 का नतीजा आया तो भी कहा कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष नहीं हुए हैं, चुनाव आयोग के साथ ही प्रशासन पर भी आरोप लगे। और अब जब निकाय चुनाव का नतीजा आ रहा है तो भी सपा जो है वो लगातार कभी प्रशासन पर कभी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, तो क्या ये जो रुझान है इसको देख करके सपा की बौखलाहट माना जाए? ठीक है, धन्यवाद विभांशु, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि लगातार जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता जा रहा है, तो वही अयोध्या में भी मुकाबला कांटे का देखने को मिल रहा है, क्योंकि अयोध्या में भाजपा ने गिरीश पति त्रिपाठी को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं सपा ने आशीष पांडे को। तो ये तमाम हॉट सीट है जो इस वक्त चर्चा का विषय पूरी यूपी में बनी हुई है। जो यहाँ लखनऊ, शाहजहांपुर के साथ ही अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं, साथ ही साथ गोरखपुर की भी ऐसी सीट है जिस पर जनता ने अपनी निगाह गड़ाई हुई है। लेकिन इन सत्रों में से एक सीट पर भाजपा अपने जीत का डंका बजा चुकी है। जी हाँ, भाजपा ने झांसी के मेयर सीट पर अपनी जीत दर्ज की और लगातार अब भाजपा के कार्यालय पर खुशी का दौर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो अभी तक के रुझान, जो अभी तक की तस्वीरें निकल कर हमारे सामने आ रही है वो यही है कि भाजपा जो है वो लगातार एक लंबी बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि भाजपा से लखनऊ के मेयर प्रत्याशी सुषमा खरकवाल 11 राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद 40,000 वोटों से कहीं ना कहीं आगे चल रही है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शाम होते होते क्या सपा के प्रत्याशी जो जीत का अपना जो जीत के लिए जो दावेदारी ठोक रही हैं, क्या वो जीत हासिल कर पाएंगी, ये तो फिर देखना दिलचस्प होगा जब शाम तक नतीजे आएंगे। लेकिन लगातार नतीजों का दौर जारी है, तो वहीं आपको बताते चले कि यूपी के सभी 75 जिलों के आज नतीजे घोषित हो जाएंगे, जिसके लिए काउंटिंग सुबह से ही जारी है। तो आज का चुनाव काफी अहम हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव के नतीजे जो है ये एक लिटमस टेस्ट की तरह काम करेंगे। तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं सभी नतीजों से सीख लेने का प्रयास करेंगी, तो तमाम पार्टियां जो और है वो कहीं ना काफी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि जो जनता है वो उनकी पार्टी को ज्यादा पसंद कर रही है। तो अभी तक जितने भी रुझान सामने आए हैं उनको देखकर यही भाव पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता की पसंद है वो अभी भी भाजपा ही बनी हुई है। तो कुशीनगर से हमारे सहयोगी ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश्वर, लगातार जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी एक लंबी बढ़त बनाए हुए हैं, कुशीनगर में कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है? पंचायत का मतगणना का कार्य जारी है, जहां आप सीधे हमारे पीछे देख सकती है कैमरे के माध्यम से, जहां पर सभी मतगणना कर्मचारी लगे हुए हैं मतगणना में। और वही प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर है कि कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई सवाल पैदा ना हो, कहीं किसी को कोई दिक्कत पैदा ना हो। और अगर हम बात करें प्रत्याशियों की जीत और हार की, तो कुशीनगर में कुल वोटरों की बात करें तो 5 लाख से ऊपर की वोटर थे, जिसमें 5,06,000 कुछ वोटर ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। अब देखने वाली बात होगी जनता ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। अब कुछ दिन की नहीं बल्कि कुछ घंटों की समय बाकी है, कुछ ही समय में वो नतीजे आने वाले हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर, अभी तक के जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो लगातार आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो ये है कि भाजपा कहीं ना कहीं एक लंबी बढ़त बनाई हुई है। तो कुशीनगर में किस पार्टी का कितना दबदबा अभी फिलहाल आपको रुझानों से देखने को मिल रहा है? अगर हम बात करें रुझान की, तो यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी तथा निर्दल में कड़ी टक्कर होती नजर आ रही है। अगर हम बात करें नगर पालिका परिषद पडरौना की, तो जहाँ से बीजेपी आगे चल रही है, अगर हम बात करें कसिया नगर पालिका कुशीनगर की, यहाँ से भी बीजेपी आगे चल रही है। अगर हम बात करें हाटा से, तो वहां से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अगर हम बात करें सुकरौली की, जहाँ से निर्दल उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें फालजी नगर की, वहां से निर्दल उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन जितना अभी आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं जो निर्दलीय है वो भी अपनी एक मजबूत दावेदारी जीत में पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं जो नतीजे है उसमें एक बड़ा हेर फेर कर सकते हैं? जी ये बिल्कुल सही है कि जो निर्दलीय है कहीं ना कहीं इस चीज को हेर फेर कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता में अपनी एक पैठ, अलग पैठ जो बना चुके हैं, जनता में अपना प्रतिभाग जो छोड़ चुके हैं, जनता को कहीं ना कहीं ये पसंद है निर्दलीय। तो अब देखने वाली बात है कुछ ही समय में कि अब किसके सर पर ताज होगा,
जनता अपने भाग्य का फैसला कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए ज्ञानेश्वर। तो आपने देखा कि लगातार जो हमारे सहयोगी है वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर जो जनता की पसंद है वो कौन से पार्टी का प्रत्याशी बन रहा है, क्योंकि अब से महज कुछ ही देर में, कुछ घंटे में रिजल्ट जो है वो सामने आने लगेंगे। लेकिन लगातार जो जीत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में ज्यादा झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर नगर निगम की 17 सीटों की बात करें तो एक सीट पर तो भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी 15 सीटें ऐसी हैं जो भाजपा के पक्ष में है, लेकिन एक सीट बसपा ऐसी है जहां पर प्रत्याशी बसपा का आगे चल रहा है। लेकिन अभी यह भी कहा जा रहा था कि मेरठ से AIMIM का प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भी बढ़ा तो भाजपा के खेमे में आ चुकी है। तो मेरठ से भी भाजपा का प्रत्याशी अब लगातार आगे चल रहा है। तो वहीं नगर पालिका और नगर पंचायत की अगर हम एक बार रुझानों पर नजर डालें या यूं कहें कि जिक्र करें तो कहीं ना कहीं सपा यहां पर भाजपा को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। भाजपा और सपा के बीच नगर पालिका के साथ ही नगर पंचायत में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि यूपी में 2 चरणों में निकाय चुनाव हुए थे। पहला चरण हुआ था अपना ये 4 मई को, तो दूसरा चरण अपना हुआ था 11 मई को, जिसको लेकर अब नतीजे भी सामने आने लगे हैं। तो अगर आप प्राइम टीवी की टेलीविजन स्क्रीन देख सकते हैं और देख रहे होंगे हमारे जो दर्शक, वो ये समझ भी पा रहे होंगे कि आखिर जो जनता है उसका साथ ज्यादा किस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नगरीय निकाय चुनाव का जो रण है वो अब अपने अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। जी हाँ, आज नतीजों की बारी है और नतीजे जो है वो अब आना भी शुरू हो गए हैं। और झांसी में भाजपा के मेयर प्रत्याशी ने अपनी जीत भी दर्ज कर ली है और तमाम 15 मेयर की सीटें ऐसे हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। तो अब से महज कुछ घंटों में जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा और हम अपडेट के साथ आपके साथ फिर से वापस आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।